नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं रामपुर शहर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जो नवाबों के शहर से नाम से जाना जाता है। और इस रामपुर शहर का देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हम रामपुर शहर की कुछ खास चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये है रामपुर की गांधी समाधि। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी का संबंध रामपुर से रहा था, उन्हें रामपुर से बहुत लगाव था, क्योंकि रामपुर की बी अम्मा ने ही गांधी जी की टोपी बनाई थी, और उन्हीं के कहने पर गांधी जी की जो अस्थियां हैं उनकी समाधि के रूप में यहां स्थापित की गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल चक, ये महात्मा गांधी की ही समाधि है। दोस्तों, दिल्ली के बाद केवल एक रामपुर ही ऐसा शहर है जहाँ गांधी जी की अस्थियों को विश्रांति मिली है। ये हमारा जौहर रोड है जो सिविल लाइन्स रामपुर की ओर जाता है, और ये देखिए, ये है रामपुर का बापू मॉल। इसे समाजवादी की अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के समय में बनवाया था। बहुत ही खूबसूरत है, और इसका जो बनावट है वो संसद भवन से मिलती जुलती है। इसके चारों दुकानें बनाई गई हैं। और रामपुर में नवाबों से जुड़ी बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें भी आज मौजूद हैं, और रामपुर के किले हैं। रजा लाइब्रेरी, जो एशिया में प्रसिद्ध है, वो भी आपको रामपुर में ही मिलेगी। ये रामपुर का शौकत अली रोड पर अब हम चल रहे हैं। और शौकत अली रोड से आगे हम ये शाहबाद गेट की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि रामपुर में रामपुर के चारों तरफ चार बड़े गेट बनवाए गए थे नवाबों के द्वारा, जिसमें दिल्ली गेट, शाहबाद गेट, नवाब गेट आदि मशहूर हैं। और रामपुर की ऐसी कई बेहतरीन चीज़ें हैं, जैसे रामपुर की रजा लाइब्रेरी, रामपुर नवाब का रेलवे स्टेशन जो नवाब का निजी रेलवे स्टेशन था और नवाब की निजी रेल चला करती थी। ये हमारा सिविल लाइन्स का पुल है। इसके साथ ही आपको अभी दिखाई देगा कि जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको ये पुल के ऊपर चढ़ गए हैं हम। ये रामपुर का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है आपको, नीचे जो लाइन दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन है। अब हम रामपुर की सीमा से बाहर हो चुके हैं और ये शाहबाद रोड पर अब चल रहे हैं। रामपुर का कोटी खास बाग, तूती का मकबरा, ऐसी बहुत सारी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक करेंगे, चैनल जब डैशबोर्ड खुलकर आएगा उसके नीचे हमारा एक दूसरा चैनल भी आपको शो होगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अन्य एंटरटेनमेंट वीडियो भी आपको